अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं तवे वाला चिकन। तवे वाला चिकन किस तरह से बनाया जाता है, आज हम उसकी फुल रेसिपी आपसे हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हम चिकन को ले लेंगे। अब हम इसमें सॉल्ट को ऐड कर लेंगे, साथ में हम चिकन मसाला भी ऐड कर लेंगे, साथ में हम कोरिएंडर पाउडर भी ऐड कर लेंगे, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर लेंगे, और साथ में रेड चिल्ली पाउडर भी ऐड कर लेंगे। और साथ में हम कॉर्नफ्लोर को भी ऐड कर लेंगे। इन सबको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और साथ में हम एक चम्मच विनेगर को ऐड कर लेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद हमारा चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। सबसे पहले हम आग को जला लेंगे, तवे को चूल्हे पर रख देंगे। अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल को ऐड कर लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से फैला देना है। हमारा ऑयल अच्छी तरह से हीट हो गया है। अब हम इसमें मैरिनेटेड चिकन को शामिल कर लेंगे। एक एक करके सारे चिकन के पीसेस को ऐड कर लेना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। हमारा चिकन एक साइड से अच्छी तरह से तैयार है। अब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। सारे चिकन की साइड को चेंज कर लेना है। अब हम चिकन को 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हमारा चिकन अच्छी तरह से बन के तैयार है। अच्छा कलर आ चुका है। हमारा चिकन अच्छी तरह से बन के तैयार है। अब हम चिकन को प्लेटर में निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार है और बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो भी हुआ है। हमारा तवे वाला चिकन अच्छी तरह से बन के तैयार है और बहुत ही जूसी बना है।